डिंडोरी जिले में 8 साल पहले जल संसाधन विभाग ने 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से बांध और नहर का निर्माण कराया था, जिसका उद्देश्य इलाके के किसानों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन अभी तक किसानों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुई है। डिंडोरी जिले के बजाक तहसील मुख्यालय में 8 साल पहले बांध और नहर का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्देश्य इलाके के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद आज तक नहर में पानी नहीं आया। बावजूद इसके नहर की मरम्मत के नाम पर शासन की आंखों में धूल झोंक कर लाखों रुपए का बजट स्वीकृत करवा लिया गया। इसके बाद किसानों में गुस्से का माहौल है। किसानों का दावा है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी सरकारी दस्तावेजों में इसी बांध और नहर के माध्यम से 85 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना दर्शाया है, जबकि हकीकत में किसानों को आज तक एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हुआ। ये नहर 8 साल पहले करीब बनी थी करोड़ों रुपये की लागत से, और 85 हेक्टेयर इसमें सिंचाई बताई जा रही है, और इसमें 1 इंच पानी नहीं चल रहा है 8 साल से। भ्रष्टाचार भरपूर किया जा रहा है पूरे SDO री के सहमति से। शिकायत की भैया कभी आपने? की है। SDO चौधरी साहब थे, वो IE के चार्ज में थे। जब एक बार वीडियोग्राफी हुई तो आए, वहाँ डैम में थोड़ा बहुत काम करवा दिए और कहने पक्कीकरण करवाएंगे अब। हालांकि जल संसाधन विभाग के SDO खुद स्वीकार कर रहे हैं कि निर्माण के सालों बाद भी नहर में पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी नहरों की मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च करने को विभागीय प्रक्रिया बतला रहे हैं। केवल पहले के सैंक्शन हुए थे ये काम मई में, तो अभी जो है अपन ने केवल मिट्टी भर का काम लेबर वाला और लेबर ओरिएंटेड काम कराया और कुछ उसमें नहीं कराया। लेकिन आज तक उस नहर में एक बूंद पानी भी नहीं आया। बिल्कुल सही है। तो पानी नहीं आया तो फिर किस बात का? नहीं तो अब उसका जो जहाँ से बड़ी बड़ी छोटी मतलब फूटी हुई है नहर, तो उसका जो है अपन ने इंटीमेट किया है गवर्नमेंट विभाग को और उसका प्राक्कलन बना रहे हैं अपन। बांध और नहर का निर्माण 6 गांवों के सैकड़ों किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन निर्माण के सालों बाद भी नहर में पानी नहीं आ पाया, और अब ऊपर से नहर की मरम्मत के नाम पर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए खर्च करने की रूपरेखा बनाई जा रही है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। टीम न्यूज़ स्टेट।